एक छोटे से आदिवासी बहुल क्षेत्र खूंटी से निकलकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक का सफर तय करना। ब्रिटिश औपनिवेशिक हिंदुस्तानी हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए 1928 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाना। राजनीति में राजस्थान के बीकानेर रियासत का प्रतिनिधित्व करना। टूटे फूटे झारखंड आंदोलन को संगठित रूप से आगे बढ़ाना और भारतीय संविधान सभा में आदिवासियों की अस्मिता और हक अधिकार की बात को निडरता के साथ रखने वाले मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा आज की तारीख में किसी के परिचय के मोहताज नहीं है। आज देश का हर वो राजनेता, हर वो बुद्धिजीवी समाज जयपाल सिंह मुंडा के बिना राजनीति में अधूरी है। जोहार, मैं हूँ गोविंद टोप्पो और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। सबसे पहले आज जयपाल सिंह मुंडा की जयंती के अवसर पर लोकतंत्र 19 परिवार की ओर से उन्हें कोटि कोटि नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज से 121 वर्ष पहले भगवान बिरसा मुंडा की मौत के ठीक 3 साल बाद यानी आज ही के दिन 3 जनवरी 1903 को खूंटी के टकरा गांव में जन्मे मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा भारतीय इतिहास के एकमात्र ऐसे जनबुद्धि और राष्ट्रीय राजनेता हैं जिन्होंने भारतीय और आदिवासी अस्मिता हक अधिकार पर अंग्रेजों के साथ साथ गैर आदिवासियों के द्वारा हमलों से बचाने के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से लेकर संविधान सभा तक और झारखंड के जंगलों से लेकर लोकसभा तक संघर्ष किया और उसकी रक्षा की। संविधान सभा की बैठक में मारंगोम के जयपाल सिंह द्वारा दिया गया ओजस्वी भाषण आज भी लोगों को प्रेरणा देती है जिसमें उन्होंने बात कही थी। आई थैंक यू फॉर गिविंग मी आउट एज रिप्रेजेंटिंग द एबोरिजिनल कम्युनिटी ऑफ छोटानागपो। आई वांटेड टू से अ फ्यू वर्ड्स टू कंग्रेचुलेट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्पेशली ऑन बिहाफ ऑफ द ट्राइबल मेंबर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो फार एज आई हैव बीन एबल टू काउंट वी आर ओनली 5। We are millions and millions, and we are the real owners of India. It has recently become the fashion to talk of quit India. I do hope this is only a stage for the rehabilitation, for the resettlement of the real people of India. Let the British quit, then after that, all the later comers, later intruders quit. Then there will be left behind only the Aboriginal people of India. We are indeed very glad that we have Dr. Rajendra Prasad to be the permanent chairman of this assembly. We tribals feel that as he belongs to a province where there is in the southern portion of it the most compact Aboriginal area in the whole of India perhaps, that we in presenting our case will at least get a sympathetic hearing from him. I do not wish to say anything about his merit, they are already too well known. But let me end by saying that we hope the rest of the house, while he is giving us his sympathy, will also reciprocate with him. मैं सिंधु घाटी सभ्यता का वंशज हूँ। उसका इतिहास बताता है कि आप में से अधिकांश लोग जो यहाँ बैठे हैं बाहरी हैं, घुसपैठिए हैं, जिनके कारण हमारे लोगों को अपनी जमीन छोड़कर जंगलों में जाना पड़ा। इसलिए यहाँ जो संकल्प प्रस्ताव पेश किया गया है वह आदिवासियों को लोकतंत्र सिखाने जा रहा है। आप सभी आदिवासियों को लोकतंत्र सिखा नहीं सकते, बल्कि आपको ही उनसे लोकतंत्र सीखनी चाहिए। आदिवासी इस दुनिया के सबसे पहले लोकतांत्रिक लोग हैं, परंतु आर्यों की फौज इस लोकतंत्र को खत्म करने पर तुली हुई है। जयपाल सिंह द्वारा दिया गया यह भाषण आज भी आदिवासियों को प्रेरणा देती है और उन्हें बताती है कि आदिवासी कभी भी किसी के गुलाम नहीं रहे हैं। उनका अपना संविधान, अपनी शासन प्रणाली रही है, परंतु समय के साथ उनका साथ हमेशा अन्याय होता रहा है और उनके जल जंगल जमीन पर आदिवासी जो रीढ़ की हड्डी है पर हमला होता रहा है। जब भी संविधान निर्माण में आदिवासियों की बात की जाती है तो जयपाल सिंह मुंडा को पूरा देश प्रमुखता से याद करता है, क्योंकि उनके बिना संविधान सभा की बैठक में आदिवासियों को प्रतिनिधित्व किसी ने नहीं किया था और उन्होंने बहुत प्रमुखता से आदिवासियों के हक अधिकार की बात संविधान सभा के समक्ष रखी थी और उनमें से अधिकतर कानून जो आज हमें संविधान के द्वारा दिया गया है भगवान जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा दी गई बातों के कारण ही शामिल हो पाया है। तो क्या एक छोटे से आदिवासी गांव से निकलकर राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान निर्माण और झारखंड आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जयपाल सिंह मुंडा की यात्रा क्या इतनी आसानी थी? आइए इन्हें कुछ आसान शब्दों में जानने का प्रयास करते हैं। सन 1928-29 में जयपाल सिंह मुंडा इंग्लैंड से लौटने के बाद एक प्राइवेट कंपनी सेल कंपनी में ज्वाइन करते हैं।
जहाँ पे वे बर्मा सेल एक बहुराष्ट्रीय तेल कंपनी में शामिल हो गए थे। 1928-32 के बीच इनके वरिष्ठ कार्यकारी रूप में कार्य करते रहे। इसने इन्हें रॉयल डच सेल ग्रुप में अनुबंधित व्यापारिक सहायक का पद संभालने वाला पहला भारतीय बना दिया था। यह काम जयपाल सिंह मुंडा को कलकत्ता ले आया, जहां उन्होंने शिक्षण की ओर भी अपना कैरियर बनाने की ओर ध्यान दिया और कुछ साल वहां बिताए। प्रारंभ उन्होंने पश्चिम अफ्रीका में ब्रिटेन की गोल्ड कोस्ट कॉलोनी में ओचिटोवी कॉलेज 1932-36 में अध्ययन कार्य किया। फिर एक साल तक उन्होंने रायपुर के राजकुमार कॉलेज के उप प्रिंसिपल के रूप में भी काम किया, लेकिन एक आदिवासी व्यक्ति के रूप में उन्हें यहाँ जिस भेदभाव का सामना करना पड़ा, उसने उन्हें अन्यत्र अवसर की ओर तलाश करने के लिए मजबूर किया। 1937-39 तक वह बीकानेर रियासत के प्रशासन का हिस्सा थे, इसके राजस्व आयुक्त, उपनिवेश मंत्री और अंततः इसके विदेश सचिव के रूप में काम किया। जयपाल सिंह का राजनीतिक जीवन, विशेषकर बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासी समुदायों के साथ हुए भेदभाव और शोषण से काफी प्रभावित रहा है। 1938 में आदिवासी महासभा का गठन बिहार के मौजूदा प्रांत से संथाल परगना और छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए एक अलग प्रांत बनाने के उद्देश्य से किया गया था। 1939 में जयपाल सिंह महासभा के अध्यक्ष चुने गए। उनका नेतृत्व इस उद्देश्य के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हुआ। उन्होंने कई बैठकें की और जोशीले भाषण देकर आदिवासियों को मोहित किया। आदिवासियों को आदिवासी विरोधी होने के बावजूद कांग्रेस सरकार के खिलाफ उन्होंने एकजुट किया। वह आदिवासी मजदूर संघ के पीछे भी थे, जिसका गठन जमशेदपुर के औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। जल्द ही जयपाल सिंह को आदिवासी संघर्षों के नेता और प्रतिनिधित्व के रूप में स्वीकार किया गया, जिससे उन्हें आदिवासियों के बीच मारन गोमके या सर्वोच्च नेता का उपनाम दिया गया। 1940 में जयपाल सिंह बिहार से संविधान सभा के लिए चुने गए। वह संविधान सभा के लिए चुने गए कुछ स्वतंत्र उम्मीदवारों में से एक थे। एक ऐसा मंच जिसका उपयोग हुआ अपनी चिंताओं को व्यक्त करने और पूरे भारत में आदिवासी लोगों के हितों को बढ़ावा देने के लिए करते थे। विधानसभा में उनका हस्तक्षेप अधिकतर आदिवासी व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। इतने कम समय में झारखंड से निकलकर राष्ट्रीय लेवल और संविधान सभा जैसे पद पर बैठकर उन्होंने आदिवासियों के लिए जो काम किया, वाकई में आज हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी बात है। आज जयपाल सिंह मुंडा की जयंती है और उनके इस जयंती के अवसर पर पूरा देश उस आदिवासी नेता को नमन करता है, जिन्होंने शुरू से लेकर अंत तक आदिवासियों के हित और रक्षा के लिए काम किया। और उन्होंने यह साबित किया कि आदिवासी अगर मेहनत और परिश्रम करेगा तो वह कहीं भी पहुंच सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा, जिन्हें मारन गोमके के नाम से पुकारा जाता है, आज के समय में अगर जब भी संविधान की बात की जाती है और संविधान में आदिवासी हक अधिकार की बात की जाती है, तो उनका नाम अग्रणी आता है, क्योंकि उन्होंने संविधान सभा के समक्ष जिस तरह से बातों को रखा और जिस तरह से अपनी भाषण दिया, वो आज भी लोगों को याद है। और जब भी वो लोग उस भाषण को सुनते हैं तो लगता है कि वाकई में जब आदिवासी बोलना नहीं जानता था, जब आदिवासी लड़ना नहीं जानता था, उस समय उन्होंने प्रमुखता के साथ उस सभा में अपनी बातों को रखकर आदिवासियों के हक अधिकार की बात की। और आज जो संविधान में जो हमें छिटपुट जो अधिकार दिए गए हैं, आज उन्हीं के बदौलत है। तो आज उनकी जयंती के अवसर पर लोकतंत्र 19 परिवार की ओर से एक छोटा सा वीडियो आपके सामने लाया गया, और आपसे हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप पसंद करिएगा। बाकी आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं कोई नई आदिवासी कोई नई झारखंडी विषय के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जोहार।